नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लालू यादव को दुमका कोषागार से 3,13,00,000 रुपए की निकासी के मामले में जमानत मिली है। चारा घोटाला मामले में, चाईवासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। दोरांडा कोषागार के मामले में भी अब ट्रायल जारी है। ऐसे में अब लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि लालू यादव को 7 साल की जेल हुई थी। लालू आधी सजा काट चुके हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत भी गई है। पहला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ सेंटेंस है। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है। वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया और हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1 लाख का 2 सिक्योरिटी हमें देना है और 5-5 लाख रुपये, मतलब कि 10 लाख रुपये फाइन डिपॉजिट करना है। और अगर हमारे पास कोई पासपोर्ट है तो उसे हमें सरेंडर करना है। चूँकि हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, हम लोग पहले भी दूसरे केस में भी दे चुके हैं, तो बस यही कंडीशन के साथ हमें बेल दिया। ये कौन सा मामला था और इसमें कितनी की सजा हुई थी? देखिए, ये RC 38 है ऑफ 96 जो कि दुमका ट्रेजरी से है, और इसमें हमें सजा IPC के सेक्शन में 7 साल और PC Act में 7 साल सात साल की सजा हुई। लॉकडाउन को लेकर के कि भैया, अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए, और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा धक्का दे उसी हिसाब से आप पहले तैयार। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम लोग न्यायालय पे मिलेगा, और आप सब लोग जानते हैं सजा की जो हाफ सेंटेंस जो होता है वो लालू ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है लालू जी को बेल दिया है। मेरा नीचे खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत, माइक दिखाने के चक्कर देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी हाईकोर्ट को। हम और अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, बहुत दिनों बाद RJD के कार्यकर्ताओं और लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों के लिए खुशखबरी मिली है। लालू यादव को अब जमानत मिल सकती है, रास्ता साफ हो गया है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, काफी दिनों बाद आज लालू परिवार के अंदर भी खुशी आई है, और लालू प्रसाद के जो पार्टी है RJD कार्यालय उसमें भी जश्न का एक माहौल देखा गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। रांची हाईकोर्ट ने आज जमानत दी है। CBI ने भले ही दलील जरूर दी थी, लेकिन लालू जी की जो सजा थी उसकी सजा की आधी अवधि लालू यादव ने पूरा कर लिया था, तो इसी को आधार मानकर लालू प्रसाद के वकील ने अर्जी दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी, और उसी पर लगातार कई दिनों तक सुनवाई चली भी, और आज अंततः ये फैसला हुआ कि लालू प्रसाद को बेल मिल जाएगा। उनको बेल दे दिया गया, जमानत उनको मिल गई। वो दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है, किडनी के रोग से वो ग्रसित है, और वैसे स्थिति में उनका स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं है। तेजस्वी यादव हो, अमीषा भारती हो, तमाम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनको इसकी खुशखबरी भी दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि 1-2 दिनों का और जो है कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है विधिवत जो है वो जेल से बाहर आएंगे। रिम्स प्रशासन के द्वारा उनका दिल्ली एम्स में इलाज कराया जरूर जा रहा है, लेकिन देखिए लालू यादव की राजनीति में, काफी बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की एक अलग पहचान है, चाहे उनके भाषण देने का शैली हो, चुनाव लड़ने का शैली हो, या कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का शैली हो, लालू प्रसाद यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिहार की राजनीति में। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर RJD परिवार में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि काफी दिनों से वो जेल में बंद थे और वो उनकी तबीयत भी खराब है, तो वैसी स्थिति में उनका जमानत मिलना RJD परिवार के लिए बड़ी ही राहत भरी बात है।
उनके परिवार के लोग काफी खुश थे इसको लेकर। खुद तेजस्वी यादव ने भी बताया है कि पूरे बिहार के लोग इसका इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी जो है वो आज खत्म हुई है और रांची हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। अवनीश, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का वहां पर कद है उसको देखते हुए उनका बाहर आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह से हालात इस समय चल रहे हैं बिहार की राजनीति में, कोरोना एक तरफ पैर पसार रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन कम होने की के मामले सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं मरीजों को जितनी मिलनी चाहिए, तो क्या विपक्ष के पास एक रणनीतिकार बाहर आ जाएगा तो सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका होगा? नहीं, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव सत्ता में हो या विरोध में हो उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार भी भली भांति बात को जानते हैं या बीजेपी भी भली भांति जानती है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे तो हर मुद्दे पर जरूर राजनीति जरूर करेंगे। और अब तो वो इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि उनकी उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, लेकिन वो संरक्षक की भूमिका में जरूर रहेंगे। लोगों अपने महागठबंधन नेताओं को एकजुट जरूर करेंगे और एग्रेसिव भी जरूर करेंगे। तो हमें लगता है कि अब उनको जमानत मिल गया है और वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री ने भी कुछ भी बयान नहीं दिया है, बीजेपी के बड़े नेता भी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कद बिहार में क्या है, क्योंकि जब वो कद तो बहुत बड़ा है अवनीश, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आरजेडी के सुप्रीमो भी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर अपडेट लेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। आरजेडी कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, खुशी जताई गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज का दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर दिन है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लालू यादव की रिहाई पर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते आपको। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देश की जनता जो लालू प्रसाद जी को चाहने वाले थे, बिहार की जनता उनके सेहत को लेकर चिंतित थे, अंतोगत्वा न्याय के मंदिर में न्याय मिला है। लालू प्रसाद जी अब जमानत पर रिहा होकर हम लोगों के बीच होंगे, इसके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन राजद परिवार के लिए ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद जी को जो करोड़ों अरबों लोग चाहने वाले हैं उनके लिए खुशी का दिन है। बिहार में तेजी से फैल रहे संक्रमण पर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत हुई है और कोविड 19 पर चर्चा हुई है। कल सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक होगी। बिहार में कोविड 19 के हालातों पर सरकार क्या फैसला लेने वाली है इसके बारे में कल दोपहर बताया जाएगा। पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट कर होता है उसके द्वारा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा, उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब। तो बिहार में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और इसी को लेकर चर्चाओं का दौर, मीटिंग का दौर, रणनीति बनाने का दौर जारी है। राज्यपाल फागू चौहान के साथ सर्वदलीय बैठक की गई और इस बैठक के दौरान तमाम तरह की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा कल सूबे के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम आगे कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो कल की बैठक के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है और अवनीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अवनीश, जिस तरह से सूबे में कोरोना पैर पसार रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है, बताया ये जा रहा है कि कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी और उसके बाद कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं,
क्या मान लिया जाए कि कड़े फैसलों में लॉकडाउन भी शामिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कल बैठक होगी, एक बड़ी बैठक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है, तमाम डीएम और एसपी कल वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल होंगे और कल जो है अंतिम फैसला होगा, क्योंकि आज जो चर्चा हुई है राज्यपाल के वर्चुअल बैठक में उसमें तमाम विपक्षी दलों ने लॉकडाउन को लेकर जरूर सहमति दी है, लेकिन पहले लॉकडाउन को घोषणा करने की जो है वो सुझाव दिया है। तो हमें लगता है कि कल जो बैठकें होगी उसमें दो दिनों का वीकेंड लॉकडाउन होने की पूरी संभावना है, शनिवार और रविवार ये दो दिन जो है वो पूर्णतः लॉकडाउन रहेंगे और आने और फिर उसकी समीक्षा की जाएगी। कई बड़े निर्णय होंगे, होटल्स और मॉल्स को भी जो है बंद करने का निर्णय जो है वो हो सकता है, जो कल के जो बैठक होगी उसमें ये चर्चाएं हो सकती है और देर शाम तक इस पर फैसला भी आ जाएगा। खुद तेजस्वी यादव ने भी सुझाव दिया है, जो नेता विरोधी दल है, कि आप पूर्णतः लॉकडाउन एक बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा तो लोग जो है भयभीत हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। वह स्थिति में लोगों को पहले बता दिया जाए कि हम लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने जगह पे गंतव्य स्थान पे आ जाएंगे, अपनी अपनी व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। तो तेजस्वी यादव के बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार भी पूर्णतः लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, सरकार की कोशिश है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए और कुछ सख्ती और बरती जाए, जो शादी समारोह हो, श्राद्ध समारोह हो, उसमें जो 200 की संख्या है उस संख्या को कम की जाए, जो सार्वजनिक जगह पर लोग भीड़ जुटाते हैं उसको में प्रतिबंध लगाया जाए, होटल्स और मॉल्स में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है उसको जो है सीमित किया जाए। तो हमें लगता है कि कल की बैठक काफी अहम है, असल दोपहर में बैठक है, दोपहर के बाद देर शाम तक जो है सरकार इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। हमें लगता है कि कल के बैठक का तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कल क्या कुछ फैसला लेते। अवनीश, सीएम लगातार अपने स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, प्रशासन अपने स्तर पर कोशिशें कर रहा है, इसके बावजूद अगर लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पैदा हो रही है या इस पर विचार चल रहा है या इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है तो चूक कहां हो रही है? नहीं देखिए, जो लोग बाहरी लोग आ रहे हैं, खासतौर पर जो मुंबई, केरला और दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनकी बेहतर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पा रही, वे लोग आउटर सिग्नल पे उतर जा रहे हैं, वे लोग घर नहीं जा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं बिना चेकअप किए। आज बक्सर की भी तस्वीर हम लोगों ने दिखाई है कि बक्सर में लोग जो है ट्रेन से उतर कर सीधे भागते हुए अपने घर तक जा रहे हैं, तो वैसे लोग जो संक्रमित है वो दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, स्थिति में जो लोग बाहर से संक्रमित होकर आ रहे हैं वो यहाँ के लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। तो जो पूरा वीकेंड लॉकडाउन होगा उसमें टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग एक माध्यम है जिससे कोरोना पॉजिटिव कौन कौन लोग हैं ये पता चल पाएगा और वैसे स्थिति में सरकार उसकी बेहतर प्रबंधन कर सकेगी। तो हमें लगता है कि टेस्टिंग को विशेष जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर सरकार की कोशिश है कि सभी लोग प्रोटेक्ट किया जाए, वैसे लोग कोरोना पॉजिटिव और ताकि जो है इस महामारी को रोका जा सके। बिल्कुल, महामारी है और इस महामारी से हम सबको साथ मिलकर लड़ना है, अगर हम टेस्टिंग से बचेंगे तो फिर कोरोना को कैसे हरा पाएंगे ये आवाम को सोचना होगा। सिर्फ सरकार इस लड़ाई में अकेले कुछ नहीं कर सकती, आम आवाम को भी सरकार का साथ देना होगा। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।